आप सारे के सारे बच्चे कहाँ जा रहे हो स्कूल में से निकल के? पानी पीने। क्यों, स्कूल में पानी नहीं है क्या? नहीं। तो कितनी दूर जाते हो पानी पीने के लिए अब? बहुत दूर। और कितनी बार पानी पीते हो? सुबह से शाम तक जाने आने में कितना समय खर्च होता है? 5 बार। तो आपके टीचर छुट्टी दे देते हैं क्या आपको? मंडराय तहसील की बाड़ता पंचायत ग्राम पंचायत का सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल, एक विद्यालय में भी पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चे मिड डे मील खाने के बाद में अपने घर चले जाते हैं। बाकी के जो सीनियर क्लास के बच्चे हैं उनको स्कूल से आधा किलोमीटर दूर पानी पीने के लिए जाना पड़ता है। इसके कारण उनकी पढ़ाई पर काफ़ी असर पड़ रहा है। पानी की समस्या ये है कि सारे बच्चे जो है आसपास के हैंडपम्पों पर जाते हैं, यहाँ पानी है नहीं स्कूल में, और पास में ही पानी है, सारे दिन पानी को ढूंढते रहते हैं। अब पानी की वजह से पढ़ाई बहुत कम हो गई है। अभी आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? अभी हम मेरे बच्चे तो करौली। आपने करौली क्यों शिफ्ट किया बच्चों को? करौली इसलिए शिफ्ट किया है कि यहाँ पानी की समस्या है। आपको करौली भेजने में बच्चों को कितना खर्चा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है? करौली भेजने में तो ये समझो आप कम से कम 15 या 20 हज़ार रुपये पर मंथली देना पड़ता है। क्या करती हो आप यहाँ पे? सब्जी रोटी खाना बनाते हैं, चावल बनाते हैं। अच्छा, खाना बनाने के लिए पानी कहाँ से लेके आती हो आप? पानी तो गले दूध जाते हैं मिलट पहले। क्या स्कूल में पानी नहीं है क्या? खराब पानी है, गंदी पानी निकलता है। कितना पानी निकलता है उसमें गंदा? बहुत गंदी निकलता है। तो उससे क्या खाना नहीं बना पाते हो आप? नहीं बना पाते। कितनी दूर जाते हो पानी लेने के लिए? 1 किलोमीटर। और कितना समय लगता है आने जाने में आपको खाना बनाने के लिए? आधा घंटा है जाता है, हमको जाता है। आपने अपने स्तर पे क्या किया, अपने स्तर पे आपकी अधिकारियों को क्या लिख के दिया इसके बारे में कि पानी नहीं है? अभी सरपंच तक ही नहीं, मैंने सरपंच तक ही पहुंचा अधिकारियों के लिए, मैंने इनसे पूछा तो भाई हेडमास्टर साहब जो थे उनका भी आ गया आपने कार्रवाई पानी के बारे में कि साहब हमने पहले रिटर्न में एक दो बार दे चुके हैं, और अब मैं ये डिसीजन ले रहा था, मैंने कि एक बार और गाँव वालों से सरपंच साहब से इनसे मिल करके और सभी गाँव वालों से समस्या रखी जाए, उसके बाद में हम आगे भी इसकी। बाड़ता पंचायत के लोग जिला शिक्षा अधिकारी से निवेदन करते हैं कि विद्यालय में नया हेडपंप लगाया जाए जिससे बच्चे अपनी शिक्षा से वंचित हो रहे हैं, उनको पूर्णतः शिक्षा मिल सके, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी का नंबर है 074-64-250-630। सुनीता कसेरा, इंडिया अनहर्ड के लिए।